मिथुन। अच्छा पहले मिथुन बताओ किस किस का है, बाद में कोई बोलता नहीं है। किस किस का मिथुन है? हमारा है। भेजा है आप तो रीड करेंगे। जिस जिसका मिथुन है वो अपना अपना हाथ खड़ा करके रखो, अपना येलो हाथ खड़ा करके हाँ रखो। सर, मिथुन मेरे हस्बैंड का है। हाँ जिस जिसका मिथुन है अपना अपना येलो हाथ खड़ा करके रखो। मेरी डॉटर का है तो हैंड ऊपर रखो कि नीचे रखो? नहीं नहीं ऊपर करके रखो, ठीक बाद में सब अपने हाथ नीचे कर लेते हैं। सर, डन, चलो मेरे अभी पति मिथुन। के सेवन भाव में ये 3 नंबर। ठीक है मैडम, आप ऊपर करके रखो अपना मिथुन। अब डिलीट कर रहा, आपके हस्बैंड के सेवंथ भाव में, यानी कि आप उनके पर्सपेक्टिव से आप। ठीक ओके है डन। मिथुन लग्न की राशि बुध होती है। बुध राशि वायु तत्व की राशि है। बुध राशि द्विस्वभाव राशि है और क्रूर राशि मानी जाती है, ये पुरुष राशि मानी जाती है। बुध राशि रात्रि बलि राशि है, इसकी दिशा जो होती है पश्चिम दिशा की राशि मानी जाती है। बुध राशि पाप राशि मानी जाती है और इसका रंग जो तोतैया जैसा रंग होता है, जैसे तोते का रंग होता है वैसा इसका रंग माना जाता है, हरा रंग माना जाता है, और इसकी वायु प्रवृत्ति मानी जाती है। मिथुन राशि की भुजाएं, छाती का हिस्सा, ये सब चीजें मिथुन राशि की मानी जाती है। वो हमने कल देखा था बॉडी पार्ट्स पे कंधे मिथुन राशि के माने जाते हैं। इसका जो चिन्ह होता है पुरुष का जोड़ा जो होता है इसका चिन्ह होता है, चिन्ह में आपको सबको दिखा दूंगा, पुरुष का जोड़ा इसका चिन्ह होता है। मिथुन राशि के वाले लोग जो है कट काटी में लंबे चौड़े सीधे शरीर के स्वामी होते हैं। इनका शरीर दुबला लंबा होता है, इनके हाथ लंबे, टांगे पतली होती हैं, रंग जनरली गहरा हुआ होता है। ये बहुत तेज तरार लोग होते हैं। इनकी जो नाक होती है अधिकतर लंबी पाई जाती है, जहां तक कि काली आंखें होती हैं और बाल भी घुंघराले जैसे होने की संभावना बढ़ जाती है। इनकी जो गर्दन होती है थोड़ी स्ट्रांग गर्दन होती है। इनकी तेज तेज चलना होता है, स्पष्ट बोलने की बातें करते हैं, स्पष्ट बात करते हैं, जो बोलते हैं लाग लपेट नहीं करते, सीधा बात करते हैं। चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, चतुर चुलाक से मेरा मतलब स्मार्ट होते हैं ये लोग, और दुविधा ग्रस्त मन वाले होते हैं क्योंकि ड्युअलिटी इनमें होती है, तो यस नो भी मे नॉट भी इनके अंदर चलता रहता है। किसी भी विषय में बहुत सोच समझ के उसकी विषय की जानकारी लेकर काम करते हैं। जानकारी जब तक नहीं होती है तो काम जल्दी से नहीं करते हैं, और लेकिन जानकारी प्राप्त करने की इनमें क्षमता भी बहुत होती है, ये लोग बहुत जल्दी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मिथुन राशि क्योंकि मरकरी की राशि होती है, बुध की राशि होती है, तो ये लोग जानकारी बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, अगर नहीं भी होती है तो जुटा लेते हैं कहीं ना कहीं से। ये लोग नवीन विचार वाले होते हैं तथा इनकी जो इच्छा होती है सदैव तत्पर रहती हैं। वह विभिन्नता से प्रेम करते हैं, यानी कि चेंज इनको बहुत अच्छा लगता है, चेंजेस इनको अधिकतर इनको आकर्षित करते हैं। अपने कार्य को क्षेत्र में जल्दी चेंजेस कई बार कर लाते हैं, जिसकी वजह से इनको नुकसान भी उठाना पड़ता है, तो बट इनकी ड्युअलिटी की पर्सनैलिटी होती है, तो इनमें ये पॉसिबिलिटी रहती है। ये विषय की गहराई में जानना पसंद करते हैं, ज्ञान को अर्जित करना पसंद करते हैं। इनमें विश्वास किसी विषय में विश्वास नहीं करते जब तक कि उस विषय का अनुभव वो स्वयं नहीं कर लेते। जब अपने पे विश्वास करते हैं ये लोग और अपने को जब तक नहीं कर लेते, उस परिस्थिति को नहीं गुजर लेते, तब तक जनरली उस चीजों से विश्वास इनको नहीं आता। ये लोग खुद स्वयं, मतलब ये ऐसे मान के चलो कि ये लोग खुद खुद पे निर्भर होने वाले लोग हैं, दूसरों पे जनरली निर्भर नहीं करते। हर काम अपने से समझ के, अपने से लर्न करके, अपने से एक्सपीरियंस करके उस चीज पे काम करना पसंद करते हैं। मिथुन लग्न के जातक जो है निर्णय लेने में देर लगाते हैं, क्योंकि इनकी जो पर्सनैलिटी होती है ड्यूल पर्सनैलिटी होती है, तो ये लोग थोड़ा देर लगाते हैं, लेकिन जब डिसीजन लेते हैं तो बिल्कुल जान के समझ के अच्छे से गहराई में जाके तब इसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। ऐसे जातक किसी भी विषय को तुरंत समझ लेते हैं, क्योंकि बुद्धि बुध का राशि है, बुद्धि बहुत तेज है, तुरंत समझने की क्षमता इनमें रखते हैं। दिमाग से तेज होते हैं, स्मार्ट होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं, मस्तिष्क से शार्प होते हैं। ऐसे लोग जातक सदैव कई नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहता है। ऐसा जातक जनरली जैसे भी बुद्धि के इंटेलेक्चुअल वर्क होते हैं, ट्रांसपोर्ट के काम होते हैं, टाउट्स व्यापार के काम होते हैं, क्योंकि मिथुन लग्न के जो कार्य होते हैं उनके अंदर इनका इनका जो इफेक्ट होता है वो ज्यादा रहता है। ये ऐसे लोग, ऐसे लगन के लोग अच्छे पति पत्नी बनते हैं, विश्वासी पति पत्नी बनते हैं। अच्छा अपना जो इनका दायरा होता है वो अच्छे से निभाते हैं। ये जीवन के अंदर जीवन साथी का जो साथ देते हैं, लेकिन कई बार ये लोग अपने जीवन साथी की जो चीजें होती है उनको पसंद नहीं करते,
क्योंकि ये लोग अपने आप में इंटेलेक्चुअल की तरह काम करते हैं, तो उनकी चीजें उनको आमतौर पर कई बार पसंद नहीं आती हैं, लेकिन साथ देते हैं, फिर भी साथ नहीं छोड़ते। ऐसे जातक की सिग्नल शक्ति बहुत तेज होती है और मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होती है इन जातक की। ये लोग धर्म के अंदर पूरा विश्वास करते हैं और भाग्य को साथ लेके चलते हैं, भाग्य को भाग्य भाग्यवादी होते हैं ये लोग। कर्म को पूजते हैं, कर्म की पूजा करते हैं, कर्म से करते हैं और अपने भाग्य को बनाने में सक्षम होते हैं, अपने भाग्य को बनाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। बहुत ही सुखों का चाहत रहती है इनके अंदर। ऐसे ऐसे मिथुन जातक जो है जनरली अपने मित्र जल्दी बना लेते हैं, मित्रों को जल्दी जल्दी बदल भी लेते हैं। जातक के मित्र बहुत बनते हैं, जल्दी बनते हैं, क्योंकि ड्यूअल पर्सनैलिटी होती है। जब इनको लोग भाते नहीं है तो ये उसे मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करते। ये मिथुन जातक जो होते हैं जनरली लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते। ये लोग अपने काम को सिद्ध करने में बिलीव करते हैं कि मेरा काम निकालना है, मुझे अपना काम निकालने के लिए जैसा वातावरण बनाना, वो वातावरण बना के अपने काम को निकाल लेते हैं। मिथुन जातक जो होते हैं ड्यूल पर्सनैलिटी होते हैं, क्योंकि ड्यूल इनका स्वभाव ड्यूलिटी की तरह होता है, तो ये लोग मे बी मे नॉट बी के अंदर फंसे रहते हैं आमतौर पर। और ऐसे जातक मिथुन मिथुन राशि के जो जातक होते हैं, जब कोई एनालिसिस कर लेते हैं किसी विषय के ऊपर, उस विषय पर एनालिसिस करने के बाद जब डिसीजन लेते हैं तो वो पूरी तरह से डिपेंडेबल डिसीजन होता है, क्योंकि उन्होंने उस विषय के ऊपर गहन अध्ययन किया होता है। ये लोग इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ लोग होते हैं। ये लोग सुनी सुनाई बातों के ऊपर जनरली विश्वास नहीं करते, उस विश्वास को परखते हैं, तब उसके ऊपर विश्वास करके उस पर डिसीजन लेते हैं। ऐसे लोग मिथुन जो मिथुन राशि के जातक हैं, ये लोग वायु तत्व से प्रेरित होते हैं। तो ऐसे लोग बातचीत करने में, बातें बनाने में, क्योंकि इंटेलेक्चुअल होते हैं, स्मार्ट होते हैं, तो बातें बनाने में स्मार्ट होते हैं। मौके पे बात का चौका कैसे लगाना है इनको भली भांति पता है। ये बात पे मौके पे बात करके चौका मारने में सक्षम हो जाते हैं। मतलब यू लाइक मौके पे चौका, एक कहावत है ना, मौके पे चौका, तो वो ये लोग उसको अच्छी बात ही जानते हैं और ये लोग उसके ऊपर खड़े उतरते हैं। मिथुन राशि के जातक व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनको व्यापार की समझ बड़ी अच्छी होती है। कार्य क्षेत्र के अंदर, व्यापारिक कार्य क्षेत्र के अंदर ये लोग अपना अच्छा स्थान प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। मिथुन राशि के जातक आमतौर पे कॉमर्स मैथमेटिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड होते हैं। इनकी वाणिज्य शक्ति, वाणिज्य की गणना शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है और अध्यापक यानी टीचिंग क्षेत्र के अंदर ये लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं। इंटेलेक्चुअल वर्क में बड़े स्ट्रांग होते हैं। एनालिटिकल स्किल्स में ये लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, संपादक, प्रकाशन, पब्लिकेशन की जो एक्टिविटीज होती है उनके अंदर ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। लेखिका की जो राइटर का एक्टिविटीज होती है, राइटिंग एक्टिविटीज होती है, उनमें ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनकी राइटिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती है। मिथुन राशि के जातक अपने आस पड़ोस के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में सक्षम होते हैं, अपनी पहचान आसानी से बना लेते हैं, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन बड़ा स्ट्रांग होता है। तो ये लोग अपने आस पड़ोस के क्षेत्र में अपना कम्युनिकेशन बना लेते हैं। ये नेटवर्किंग करने में बड़े स्ट्रांग होते हैं। मिथुन राशि के लोग नेटवर्किंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं और अपने नेटवर्क के माध्यम से अपना व्यवसाय को डील करने में स्ट्रांग होते हैं। सुमित जी। हाँ जी सर, एवरीथिंग मैचेस एंड लाइक यू सेड राइटिंग स्किल्स। सो नाउ शी राइट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड शी इज ऑर्गेनिकली जनरेटेड मोर देन 1000 फॉलोअर्स। बट हर मैथमेटिक्स इज वेरी वीक एंड शी गॉट इन टू साइकोलॉजी। So she is now a practicing mental health counselor and friends bahut kam hai. She is very choosy about her friends and not very receptive to change. So baki everything else matches. काफी सारी चीजों पे डिपेंड करता है लगन के ऊपर प्रभाव क्या है। यस सर, तो लगन के ऊपर प्रभाव से इफेक्ट आएगा, लेकिन काफी सारे गुण मिल जाते हैं फिर भी लगन पे प्रभाव नेगेटिव होते हैं तब भी। करेक्ट सर। ग्रेट। आरती जी। यस सर। सर मेरा है ऑलमोस्ट सब कुछ मैच हो गया, बस फ्रेंड्स इतने नहीं बनाती हूँ मैं जल्दी से। और राइटिंग स्किल्स तो नहीं है, बट हाँ मैथमेटिकल स्किल्स काफी अच्छी है मेरी।
सारी स्किल्स सारे पे एक में थोड़ी आएगी मैडम, सारा पूरा अगर सारी चीज एक ही में आ जाएगी तो बाकी दुनिया के लोग क्या करेंगे। यस सर, बाकी सब सही है जो भी बताया। ग्रेट, तो अब ठीक है रश्मि जी आप बताएं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जी आरती जी। सर आपने बोला कि जैसे हस्बैंड का अगर वो नंबर आता है तो मतलब वो वाइफ का लग्न हो गया, मतलब वाइफ के अंदर वो एट्रीब्यूट, वाइफ के अंदर वो एट्रीब्यूट देखे जा सकते हैं। करेक्ट, तो मतलब मेरे हस्बैंड के सेवेंथ हाउस में भी थ्री नंबर है तो मतलब आपके अंदर वो एट्रीब्यूट आ जाएंगे, आप पे वो एट्रीब्यूट दिखाई देंगे उनके पर्सपेक्टिव से। फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव दिस एट्रीब्यूट विल बी विजिबल इन यू। रश्मि जी। हाँ राजीव जी, मेरा 70% मुझे लगता है कि हाँ ऐसा ही है, बट बहुत सी चीजें नहीं भी है मेरे में। 70% बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे लगन में बहुत सारे प्रभाव होते हैं। तो क्या मैच हुआ क्या नहीं हुआ? मैच हुआ कि फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा नहीं बनता है, सोच समझ के बनता है, और जहाँ लगता है कि नहीं जरूरत है तो फ्रेंड सर्कल। मेरा ज्यादा से मतलब ये था कि इनके इंटेलेक्चुअल फ्रेंड होते हैं, इंटेलेक्चुअल फ्रेंड बहुत होते हैं, चेंजेबल, चेंजेस बहुत जल्दी करते हैं, ड्यूल पर्सनालिटी है तो चेंजेस बहुत जल्दी करते हैं। और जहाँ है वहाँ है, जो फ्रेंड है वो है, और तो समझ के काम करते हैं, हर चीज को बहुत चेक करके करना होता है, वो भी है। कोई स्पोर्टिव ऐसे होते हैं अपनी, अब पार्टनर के विचारों से जनरली सहमत नहीं होते बट फिर भी स्पोर्टिव होते हैं। यस बिल्कुल बिल्कुल 100%। ठीक है, क्योंकि इनका अपना दिमाग बहुत तेज चलता है, इनको अपने पे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि हम जो बोल रहे हैं, जो एनालिसिस कर रहे हैं, वो हम जो कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं। लेकिन वाद विवाद नहीं करते ये लोग, क्योंकि ये लोग उग्र स्वभाव के नहीं होते, वाद विवाद में नहीं फंसते, चतुराई से अपना काम निकाल लेते हैं, अपने को इंटेलेक्चुअल वे में काम बात को करके स्मार्टली बातों करके अपना काम निकाल लेते हैं, तो वाद विवाद में नहीं फंसते ये लोग। ठीक है ग्रेट। पद्मा जी। हाँ सर नमस्कार। सर नमस्कार मैडम। सर इसको हम लोग राशि से रिलेट करेंगे कि लग्न से रिलेट? लगन बोला मैंने, राशि से भी कर सकते हैं, राशि के एट्रीब्यूट आते हैं, बट लगन से बोला हमने पहले, क्योंकि राशि बहुत लोगों को भी समझ में नहीं आएगा, इट इज टू अर्ली, तो आप लगन से करें पहले ये। तो लगन से मैच करें, अभी लगन में मैच हो आपके, आपकी है मिथुन राशि? नहीं डॉक्टर की थी इसलिए। ठीक है ग्रेट, थैंक यू मैडम। आयुषी जी जी। सर थ्री नंबर मेरे हस्बैंड का है और इसमें मोस्टली सभी उनसे मिलता है काफी चीजें, और ये बात भी सही है कि वो किसी के भी विचारों, लाइक मेरे भी विचारों से सहमत नहीं होते हैं, बट ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी, ही डजंट गो अगेंस्ट मी, और बिजनेस की नॉलेज और बात, कम्युनिकेशन स्किल्स और ट्रस्ट इतनी जल्दी किसी पे नहीं करते हैं, जब तक खुद किसी चीज को नहीं समझ लेते, वो डिसीजन नहीं लेते हैं, मोस्टली 80% काफी मैच करते हैं। पर मेरा एक क्वेश्चन है सर कि जैसे मेरे हस्बैंड का इसमें 3 है तो मेरा 5 है, और मेरे में अगर 11 है तो उनका 5 है, तो पर्सनालिटी तो फिर सब चेंज हो जाएंगे ना। लग देखो ऐसे बड़ा सिंपल सिंपल देखो, फिलहाल ज्यादा इसकी उस चक्कर मत पड़ो कॉम्बिनेशन आने में, सिर्फ इतना देखो कि किसके लगन में कौन सी राशि बैठी है, किसके साथ वहां में कौन सी राशि बैठी है, जिसके साथ वहां में जो राशि आएगी वो उस व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से वो अपने पार्टनर को ऐसा देखता है। मतलब जैसे आपके साथ भाव में कौन सी राशि है? मेरे साथ पे भाव में 5। अब आपके साथ भाव में पांचवी राशि है, तो आपके पर्सपेक्टिव से, आपके पर्सपेक्टिव से आपके हस्बैंड ऐसे होंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके हस्बैंड ऐसे हैं। अंडरस्टैंड इट From your perspective, your husband is likewise. ठीक है, तो कुछ कुछ गुण उनमें मिलेंगे वो वाले, लेकिन सारे गुण वाले नहीं होंगे, एज ए इंडिविजुअल पर्सनैलिटी नहीं होंगे, क्योंकि वो पर्सनैलिटी आपके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रही है, जगत के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रही है, तो आपके साथ वो जब रिलेशनशिप मेंटेन कर रही है तो आपके पर्सपेक्टिव से वो रिलेशनशिप के अंदर वो एट्रीब्यूट मैच करेंगे, लेकिन जगत के साथ जब वो रिलेशनशिप मेंटेन करेगी पर्सनैलिटी,
जगत के साथ अपने लगन की राशि से मेंटेन करती है, हाँ जो भी आएगी उनकी, ठीक है। तो इसलिए अपने साथे भाव में अपने पर्सपेक्टिव से उस व्यक्ति को रिलेट करना है, ठीक है। Yeah. Right.